आपने शमशेर सुरजेवाला को स्थापित करने में यहाँ पे एक भूमिका निभाई, लेकिन मेरी टिकट कट गई। कांग्रेस ने 10-10 सीट जीती थी, 10-10 सीट कांग्रेस को आ गई थी। तो भजनलाल जी मेरे कहने लगे, भैया फार्म मत भरना, आप चुनाव ना लड़ो। आगे हर आदमी कहता था, बच्चे बच्चे कहता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप मदद करो सुरजेवाला की, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब सुरजेवाला जी का आपने जिक्र कर दिया। हाँ, कोई भी आदमी राजनीति में अपनी जगह नहीं छोड़ता किसी के लिए भी। जी, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि कैथल में आप 2 बार MLA बने, 96 में आप इंडिपेंडेंट लड़े, ये अलग बात है कि आप हार गए, लेकिन आपने शमशेर सुरजेवाला को स्थापित करने में यहाँ पे एक भूमिका निभाई। नहीं, मेरी देखिए, मेरी भूमिका ये थी कि मैं पार्टी में था, कांग्रेस में था। अच्छा, तो भजनलाल जी मुझे कहने लगे, भाई सरकार बनेगी, और ये दिख भी रहा था क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने 10-10 सीट जीती थी, 10-10 सीट कांग्रेस को आ गई थी। आगे हर आदमी कहता था, बच्चे बच्चे कहता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मेरी टिकट कट गई। तो भजनलाल जी मुझे कहने लगे, भैया फार्म मत भरना, आप चुनाव ना लड़ो, आप मदद करो सुरजेवाला की, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कौन से साल की बात कर रहा हूँ? ये मैं 2004 की। चार की? हाँ, ओके। चार में जो भजनलाल कह रहे थे। हाँ, कि सुरजेवाला जी की मदद करो। हाँ, सुरजेवाला जी की मदद करो। अच्छा। इनको विधायक बनाओ यहाँ से, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चिंता न करो, मैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मैं आपको मंत्री जैसा बना दूंगा। अच्छा, आप निश्चिंत हो जाओ, टिकट कट की कोई बात नहीं, बड़ी चीजें होती हैं सरकार। मैं उनकी बात पर विश्वास कर गया। फिर मेरे पास ये रणदीप सुरजेवाला भी, शमशेर सुरजेवाला सब आए। रणदीप सुरजेवाला कम से कम 3 बार आए, और रात को वो कि ये नरवाना दिन में काम करता है, रात को 3-3 बजे आके उठा देता हूँ। अच्छा, करो भाई साहब मदद करो। मैंने अपने साथियों से सलाह करी, भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो सब साथी कहने लगे, फिर कांग्रेस को मदद करो, आप कांग्रेस में मदद करो। तो हमने फिर फैसला लिया, सब साथियों ने मिलकर हमने मदद करो कांग्रेस, तब जीते हुए यहाँ से। देखो, वैसे तो परमात्मा जिताने वाला है, लेकिन आप उस वक्त, आज तो लोग भूल गए, कोई पॉलिटिकल आदमी जानते किससे पूछोगे ना, तो उस वक्त में 5,000 वोट को 2,500 वोट के दूर करना सुरेंद्र मैदान कर सकता था। अच्छा, क्योंकि मैंने इतना काम किया था, लोग इतना काम किया था, लोगों के अंदर इतनी पकड़ थी कि मैं अगर हराना चाहता, मुझे पता था ये अभी 5-4 हज़ार की हार जीते, लेकिन मेरा मन अच्छा, नहीं माना। इससे 2 सवाल और निकलते हैं मदन साहब जी। एक तो पंजाबियों की सबसे ज्यादा आबादी है कैथल में जी, जाटों से भी ज्यादा होगी? हाँ, नहीं, जाटों के बराबर होगी, जाटों और पंजाबी बराबर। हाँ। क्या कारण है कि आप ही जीते, आपके बाद ही, आपसे पहले कोई पंजाबी ऐसे चुनाव नहीं जीता? एक बार शुरू में मास्टर जी जीते थे, उसके बाद कोई आगे आया नहीं पंजाबी। अब जिन्होंने कोशिश की, जैसे मेरे से पहले कांग्रेस में डॉक्टर मनोहर लाल जी थे, वो आर्य समाजी आदमी, और हमने अपने जब से हमारी उम्र है देखा उनको, जब से देखा हमने, वो खादी पहनते थे और खादी की टोपी लगाते थे। अच्छा, हाँ, मनोहर लाल हाँ, यहाँ कैथल के चले गए, अब तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। हाँ। तो कैथल के प्रधान थे कांग्रेस के, उन्होंने टिकट मांगी भी, उनको मिली नहीं, कोशिश की। और कोई पंजाबी जो थे, जैसे मैंने चेयरमैन बनाया था एक गुलशन मलिक को, वो मुझे छोड़ के चौटाला पास चला गया, वो वहाँ से टिकट मांगता था, उसने नहीं दी। ऐसे लोग थे, मतलब टिकट मिली नहीं आपको? मिली नहीं किसी को, अगर मिल जाती तो क्या तशा। अब क्या लगता है आपको, आगे कभी पंजाबी बन सकता है यहाँ पे? कुछ नहीं कह सकते थे, कोई नया चेहरा आ जाए बना दे, क्या हमारे बारे में क्या था, किसी को पता था? मैं तो सिंपल साधारण परिवार से था ना, तो मेरे बारे में कोई ये नहीं कहता। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी तो गांव में दुकान थी हमारी कपड़े की। कौन से गांव में? हरिपुरा गांव में। हरिपुरा गांव में? हाँ, हरिपुरा गांव। तो वहीं दुकान करते रहे? हाँ, दुकान करते थे पिताजी। अच्छा, तो उनकी तो फिर डेथ हो गई थी 82 में। 82, तो बाद में तो आप नहीं कर सकते? मैंने फिर ठेकेदारी करता था जब मैं ये पॉलिटिक्स में आया। अच्छा। हाँ, ठेकेदारी में टाइम निकल जाता था, लेबर काम कर रही, मैं भाग गया सोनीपत। एक बार हम दिल्ली चल गए ठेकेदारी में, दिल्ली में चौधरी देवीलाल ने धरना दे रखा था, हमें भी बुलाया था, हम चले गए। वो धरना किस लिए था कि चौधरी बंसीलाल ने जी चुनाव केवल तो शाम का करा, जबकि 3 सीट खाली थी उस वक्त विधानसभा की, सिर्फ तो शाम का कराया, क्योंकि इसको विदिन 6 मंथ MLA बनना जरूरी था, ये CM था। तो हमने वहाँ धरना दिया, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाके हमें उठा के पुलिस ले गई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, हमें अंदर कर दिया सबको, शाम को छोड़ दिया। उसमें
बहुत बड़े बड़े नेता। ये चौबी बंसीलाल से भी मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ बहुत हुई, जब ये 91 से 96 तक MLA थे तो आके बैठते थे लॉबी में, खूब बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। चौधरी बंसीलाल का मैं कायल इसलिए हूँ, यादाश्त बहुत थी उनकी, कमाल अच्छा। की बातें सुनाते थे, पुरानी बातें लेके बैठते, 30-40 साल पुरानी बातें सुनाते, बड़ा हंसाते थे। सुभाष बत्रा से उनकी अच्छी मेल जोल थी। अच्छा, सुभाष बत्रा जी बैठते थे लॉबी में, और भी कई विधायक होते थे। बत्रा जी तो आज भी जिसके पास बैठते हैं ऐसे खिलखिलाफन बोला है। इनसे उनके फादर का कुछ संबंध था इनका, पुराने पॉलिटिकल आदमी है। उनके फादर भी म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन है, हमारे फादर सिंपल आदमी थे। लेकिन हाँ, मेरे फादर ने भी एक बार जेल काटी थी, जब 1941 में कांग्रेस के प्रधान होते थे व्यापार सेल के बिहारी लाल चांदना। अच्छा, तो उन्होंने सर सिकंदर आयात की सरकार थी पूरा पंजाब, उस वक्त उन्होंने 100 रुपये ऊपर 4 आने टैक्स लगाया था व्यापारियों पे, तो पूरे व्यापार मंडल ने स्ट्राइक की थी, हमारे रेडी तक नहीं लगी। यूनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जो छोटू राम का तो वजीर थे, राम जी मंत्री थे, सर सिकंदर आयात मुख्यमंत्री थे। वो इतनी कामयाब हड़ताल हुई थी बिहारी लाल चांदना के कहने पे, वो प्रधान थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के व्यापार सेल, तो हमारे पिताजी भी उसमें गए थे आंदोलन में, और 4 महीने से ऊपर जेल में रहे थे लाहौर जेल।